दोस्तों व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आ चुका है और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत ही कमाल के नए फीचर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है दीपक और डीके टेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे आपको लाइक बटन मिल जाएगा उसे दबा के उसे नीला कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आप बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आ चुका है जो कि है बीटा यूजर्स के लिए, और अगर दोस्तों आप इन नए फीचर्स को यूज करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से अपना व्हाट्सएप जो है अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दो नए फीचर्स मिलने वाले हैं, पहला है दोस्तों फॉरवर्डिंग मैसेज का और दूसरा है यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी का। दोस्तों इन दोनों फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में हम बहुत सारे टेक्स्ट को, बहुत सारे मीडिया फाइल्स को शेयर करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में, और कई बार होता क्या है कि हम दूसरे के आए हुए टेक्स्ट या फिर मीडिया फाइल्स को सीधे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो है रिसीवर को यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने ये मैसेज किसी और का फॉरवर्ड किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको लेवल लग के जाने वाला है फॉरवर्डेड मैसेज का, जिससे पता चल जाएगा रिसीवर को कि ये जो है मैसेज फॉरवर्डेड है, किसी दूसरे का मैसेज जो है फॉरवर्ड किया गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेज वगैरह फॉरवर्ड करते रहते हैं, कई बार एक मैसेज को डाउनलोड करके कई बार यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज नहीं है, मतलब खुद का बना हुआ कोई भी मैसेज नहीं है, ये किसी दूसरे का मैसेज यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है। दोस्तों इस फीचर को इनेबल या डिसेबल नहीं किया जा सकता, ये सीधे जैसे ही आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हो तो ये लेवल लग के जाना ही है, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। दोस्तों दूसरा फीचर है मीडिया विजिबिलिटी का। हम जो है व्हाट्सएप पे बहुत सारा मीडिया डाउनलोड करते हैं, और दोस्तों हम नहीं चाहते कि हमारी जो मीडिया है वो वहाँ पे हमारी गैलरी में शो हो, तो दोस्तों उसके लिए फीचर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा व्हाट्सएप की सेटिंग में और वहाँ पे जाना होगा चैट्स में, और वहाँ पे सबसे नीचे हमें मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन। अगर दोस्तों हम इसे इनेबल रखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो मीडिया हम डाउनलोड करेंगे वो हम अपनी गैलरी में देख सकते हैं, और दोस्तों अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पे जो मीडिया है हमारे गैलरी में शो नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का फीचर है। दोस्तों व्हाट्सएप के नया अपडेट आया है व्हाट्सएप बीटा यूजर्स के लिए, और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे इन दोनों नए फीचर्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे दोस्तों आपको लाइक का बटन मिल जाएगा उसे दबा के उसे नीला कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।